तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं द्वारका कुछ काम से, तो चलो मैंने सोचा ब्लॉग ही कर लेते हैं। तो चलो फिर द्वारका चलते हैं। अभी खाना वाना खा लिया मैंने? नहीं, खाना नहीं खाया। ठीक है, खाना नहीं खाया अभी, और बैग टांग लिया है। नहाया तो हो नहीं, अभी टाइम हो रहा था, देर हो जाएगी, आके नहाऊंगा या फिर आज छोड़ो यार, ठंड में नहीं नहाते ज़्यादा। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो चलो फिर द्वारका निकलते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। प्यार दिखाओ यार, लाइक वाइक कर दिया करो। 500 सब्सक्राइबर करने इस मतलब दिसंबर के एंड तक। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम बैठे हैं मेट्रो में, पूरी मेट्रो हो चुकी है खाली, देख लो पूरी मेट्रो खाली है। द्वारका जाने में भाई ने भी मैं ज्वाइन कर लिया है। ठीक है यार, क्या कल आने ना। हाँ तो गाइस मिलते हैं तुमसे द्वारका मेट्रो में। ठीक है, नींद में चलो मिलते हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। तो गाइस यहाँ का काम हो चुका है ख़त्म। ठीक है, इधर चल रहा है मैच, दिख रहा होगा तुम्हें, देखो। खेलने का मन तो बहुत होता है मगर खेल नहीं सकते। अब हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, भाई को कुछ लेना है। ठीक है, तो चलो फिर वहीं मिलते हैं चल के। स्कॉर्पियो देख कितनी ज़्यादा लग रही है। ये रहा मेट्रो स्टेशन, यहाँ से प्लेन जा रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े। ठीक है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएंगे। साइकिल गैंग जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर वहीं मिलते हैं मेट्रो में, क्या ही ब्लॉग करूँगा। और हाँ भाई, घर पे कुछ स्पेशल चीज़ आई हुई है मोटर ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, कोई सेटअप आया हुआ। अब भाई एक और आ गया, दिखेगा नहीं वैसे तो, दिख गया। आईफोन है यार, इतना भी क्या गुजरा नहीं है वो। तो यहाँ पे भाई ऐसे भी एयरपोर्ट पास में है ना, तो इसलिए दिखते रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं घर पे। नहीं अभी तो जा रहे हैं कुछ लेने, जामा मस्जिद की तरफ मार्केट एक्सप्लोर करवाते हैं तुम्हें। चलो फिर तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं मेट्रो। ठीक है, ये रहा कुछ मेट्रो का सीन, ये रहा कुछ पीछे का सीन। ठीक है, और मेट्रो खड़ी हुई है, हमें पता है हमारी बेइज्जती होने वाली है, गेट बंद हो गया है। ठीक है, चलो फिर हमारा सीन ये है कि हम कहीं जाने वाले हैं अभी कुछ लेने के लिए। ठीक है, तो चलो वहीं मिलते हैं। ऊपर से नज़ारा देखो कैसा आ रहा है, मेट्रो निकल गई हमारे मुंह के आगे से, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी का सीन ये है कि फ़िलहाल मेरे को एक अंकल मिले हुए थे अभी। ठीक है, अंकल मिले थे, अंकल कह रहे कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो कैमरा मतलब उठा के। तो मैंने अंकल ये ब्लॉग बनाते हैं ऐसे जो मैं करता हूँ, वीडियो बनाते हैं। अंकल कह रहे वीडियो तो मैं भी देखता हूँ, सब्सक्राइबर कितने हैं तुम्हारे। मैंने अंकल बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने अंकल को बताया मेरे हैं 450 सब्सक्राइबर। ठीक है, अंकल कह रहे बेटा ना तो तुम्हारे पास बाइक है, ठीक है, ये तुम ऐसे कैमरा उठा के क्या ही कर लोगे। अब भाई देखो ऐसे बेइज्जती हो रही है तुम्हारे भाई की। ठीक है, अब अंकल को मैं क्या ही समझाता, थोड़े बुजुर्ग थे उन्हें क्या बोलता मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल ये यार तुम कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, मैं वीडियो बना शेयर करते रहो भाई, अपने आप बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे। ठीक है, हमें अपना काम करना है बस। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बुरा लगता है यार जब ऐसे कोई बोलता है। हाँ ये है कि अगर तुमने सब्सक्राइबर करा दिए भाई, 10K करा दिए, मैं बाइक लेके आऊँगा, कहीं से लेके आऊँगा, मैं बाइक लेके आऊँगा, बस तुम्हें 10K करा मैंने। फ़िलहाल तो अभी 450 या, कोई दिक्कत नहीं है यार, जल्दी होंगे, मेहनत जा रही है भाई। चलो फिर, थोड़ा बुरा लगता है यार, कर दो भाई शेयर यार कर दिया करो। ठीक है, वीडियो का लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, इधर बैठेंगे यार, फोन लगाना ना चार्जिंग पे। भाई अभी का सीन ये है कि हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट। ठीक है, ये रहा कुछ, यहाँ से मेट्रो चेंज करते हैं, पहुँचते हैं मंडी हाउस है क्या भाई, बेइज्जती कर रहा है हमारे भाई की, कोई दिक्कत नहीं। मंडी हाउस पहुँच चुके हैं, नीचे पूरा सुनसान पड़ा है अभी। पैटिस खाई डोसियाँ वो नहीं बताएगा। अच्छा हाँ, अभी पैटिस खाई है, भूख लग रही थी भाई को, मेरे को नहीं लग रही थी, तुम्हारा भाई तो खाता पीता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर मिलता तुम्हें वहीं पे। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, येल्लो लाइन किधर रहना भाई, की गिर गिर आ जाए तुम्हारा भाई, बहुत सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई सबकी मेट्रो आ चुकी है, हमारी मेट्रो का तो पता नहीं है, सारे खड़े हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरी खाली पड़ी है मेट्रो, सामने वाली मेट्रो भी आके गई है। तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, बता रहा हूँ। तो भाई हमने यहाँ पर उधम मचा रखा है,
अब ठीक है भाई, हमने यहाँ पे उदम मचा रखा है, ये सारे हो चुके हैं परेशान क्योंकि हमने उदम मचा रखा है। मैंने पूरी बैटरी हिला रखी है, सारे अंकल हमें देख रहे हैं, ये देखो एक ये देख रहे हैं, मेरे को उधर खड़े आगे सेट, अब आगे सेट, ये सारे अंकल परेशान हो चुके हैं हमसे क्योंकि हमने उदम मचा रखे है बैटरी में, इधर चार रहे हैं इधर घूम रहे हैं। तो चलो फिर अगर फिटिंग है तो भाई बचा लेना, ठीक है चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं मेट्रो से, ठीक है देखियो गैंगस्टर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रो पे हो चुके थे सारे लोग परेशान। तो मेरे चिपके जा रहे हो आप, हम यूट्यूबर है भाई, बिग फैन करो भाई, पैसे देंगे हम तुम्हें, पैसे करेंगे, पैसे देंगे यार ये। चलो कोई नहीं, मेट्रो चली गई है, यहाँ मेट्रो वालों को हमने फुल परेशान कर रखा था, बुड्ढे में देख रहे हैं कि भाई बच्चे कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बाय बाय। चलो फिर अपने निकलते हैं जो लेने के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है वहाँ पे ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे भी छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं पकड़ रहे भाई, हम तो ऐसे ये भाई कितने भाई है 200 के पूछना जरूरी होता है, लेना तो कुछ नहीं है, फिर वो क्या लगता लूंगा जो चीज़ मैं पूछूंगा, तो कौन सा बोलेगा बहन तो दूंगा कांड बोला, हाँ तो ले लो डेढ़ सौ भाई, जूते का रेट यहाँ 350 रुपये, 350 रुपये, ये 150-150 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 300-400 तक के मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिलहाल का सीन ये है कि हम आ चुके हैं जामा मस्जिद, यहाँ देखते हैं कुछ काम गया हुए, यहाँ कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं हम, और ये 150-150 150 तक का मिल जाएगा, जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है अभी, चलो ढूंढते हैं फिलहाल। ये 450 रुपये जैकेट देख लो, ऐसे देख लो यहाँ पूछना बेकार है, ठीक है। कर दिया फोन है ना, तो भाई मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, ठीक है, मगर बनानी पड़ेगी, थोड़ी धूप आ रही है देख लेना। तो गाइस कल मैं गया था, वहाँ गया था जामा मस्जिद गया था, ठीक है, तो भाई को कुछ सामान लेना था तो वो ले रहा था, एक बंदा मिला कह रहा फ़ोन लेना है क्या, तो मैं अगर देख लेते हैं भाई अगर सही लगा तो ले लेंगे। तो सीन स्कैम ये हो गया कि वहाँ गए भाई हम, ऐसे जैसे करोल बाग में दुकानें लगी रहती ना वैसे दुकानें लगी थी, तो हम वहाँ गए, बंदे ने फ़ोन दिखाया, XR दिखाया था, तो भाई देखो जैसे पता ही है तुम्हें चोरी वोरी का फ़ोन रहता है, वो सही से पकड़ ले तो गया। अरे वही होगा, ठीक है, तो जैसे तुम्हें पता है वो फ़ोन चोरी वोरी के रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कैमरे का यार काम चल जाएगा, तुम्हें जैसे पता होगा मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो मैंने कहा कैमरे का इंतज़ाम हो जाएगा, XR है तो मगर ले लेते हैं भाई, उसके रेट बताए थे 10,000 रुपये, मैंने चल भाई कोई नहीं 5:30 में अगर देगा तो ले लूँगा। तो मैंने फिर 5:30 ही 7 में आ गया वो, मैं कहा भाई 5:30 ही दूंगा, तो मान गया भाई वो, ठीक है मान गया। तो फिर मैंने कहा चल ले लेते हैं, फिर जैसी पेमेंट कराई, ठीक है, बंदे का बोलने का तरीका ही चेंज हो गया, वहाँ से मेरे को लग गया कि भाई लग गए मेरे, ठीक है। फिर वो लेके गया मैं दूसरी दुकान पर कि भाई इसकी एप्पल आईडी हटवानी पड़ेगी, वो मेरे से हाँ उसने बोला था कि एप्पल आईडी मेरे भाई की है, मैं हटा के दूंगा पैसे देने के पहले, और फ़ोन सही से पकड़ लिया, वो सही से पकड़ लिया, इतना आ रहा है ना, हाँ। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि एप्पल आईडी भाई की है, पहले जब उस मतलब फ़ोन जब ले रहा था मैं तब की बात है, तो उसने बोला एप्पल आईडी भाई की हटा के दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं। फिर वो मेरे को जब पैसे दे दिए ना मैंने, फिर वो लेके गया दूसरी दुकान पर, कह रहा एप्पल आईडी हटवानी है, चलो दूसरी दुकान पर चलो भाई, दूसरी दुकान पर गए तो वो कह रहा 18,000 रुपये लगेंगे एप्पल आईडी हटाने के, ठीक है, वहाँ से समझ में आ गया भाई स्कैम शुरू हो गया हमारे साथ, ठीक है। मैंने कहा भाई 18,000 रुपये नहीं दे रहा, मैं बाहर से करा लूँगा वैसे, ठीक है, वो मेरी दिक्कत है, मैं चलाऊँ चाहे ना चलाऊँ, तो भाई वहाँ मेरे 5,500 रुपये की लग गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने कहा चल फ़ोन तो मिल ही जाएगा कम से कम,
फोन लेके भाई हम चाहे जो मर्जी करें, एप्पल आईडी हटवाएं चाहे ना हटवाएं, वो मेरी दिक्कत है भाई। वहाँ फिर वो कह रहा कि चलो भाई से बात कर लो चल के, कि एप्पल आईडी हटवानी क्या नहीं हटवानी। फिर उसने हमें बुलाया दुकान के अंदर, ठीक है यहाँ से सीन समझना, दुकान के अंदर गए भाई हम, ठीक है। फिर क्या सीन हुआ कि भाई बंदा बोल रहा है कि तेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा, या तो एप्पल आईडी हटवा या तो फ़ोन छोड़ दे, ठीक है। पैसे भी ले लिए, फ़ोन भी ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, दो दिन हो गए इस बात को, ठीक। उसने क्या किया कि भाई बंदा कह रहा है ना फ़ोन मिलेगा ना पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई यार ये क्या हुआ, वहाँ से मेरा मुंह बनना स्टार्ट हो गया, मैं समझ गया भाई हो गया काम। तो मैंने ये उससे कहा कि भाई चलो और छोड़ो तुम, मेरे को 500 रुपये रख लो तुम, 5,000 मेरे को दे दो यार, चलो कुछ तो मिलता, ठीक है। बंदा कह रहा पैसों की बात तो छोड़ मत तू, पैसों की बात तो बोली मत कि पैसे मिल जाएंगे तेरे को, 500 बोलेगा ना 500 रुपये भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा तेज़ हो गया था, अकड़ गया उनसे, वहाँ पे मेरी गलती थी यार, क्योंकि उनका इलाका है भाई, उन्हें क्या बोल सकते हैं। बहुत से भाई तुम देखते होगे वीडियो, ठीक है। मैं तो यही सजेशन करूँगा कि भाई मत जाना वहाँ, ठीक है, एक नंबर का फ्रॉड जगह है वो, राज क्या नाम उसका, जामा मस्जिद की तरफ, ठीक है। जा नहीं मत भाई, मैं कह रहा हूँ चोर बाजार वगैरह कहीं जा नहीं मत, चले जाओ भाई, ज़्यादा थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, ले आना, जेन्युइन चीज़ मिलेगी, ठीक है। वहाँ के चक्कर में पड़ना कि सेकंड हैंड चीज़ मिले, मैं कह रहा हूँ सेकंड हैंड चीज़ ही मत लेना, मेरे को पता भाई मेरे ऊपर क्या बीतरी है। फिर क्या हुआ कि उसने हमें ये फ़ोन दिया है, ये फ़ोन देख पा रहे होगे तुम, यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग, ठीक है। और आगे से दिखाऊँ तो ये देखो, कैमरा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। उसने ये फ़ोन दिया 5,500 रुपये में, वो ये डेमो पीस होता है, जैसे तुम देखने गए मोबाइल दुकान पे, ऊपर थोड़ा तुम देखने गए कि ये वाला फ़ोन मिलता है, जब डेमो देखने के लिए जाते हो ना तुम दुकान वकान पर किसी, तो ये फ़ोन दिखाते हैं। तो फिर उस टाइम मेरा मूड ख़राब था यार, तो मैंने कहा, और हाँ मेरे को एप्पल वॉच और एयरबड्स भी दे रहा था, या आप बोल रहे या तो फ़ोन ले जा ये वाला, ये एप्पल वॉच और एयरबड्स ले जा। मैंने कहा यार एप्पल की तो भाई बात ही मत कर, उनसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे दोस्त ने कहा यही ले ले, कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है ले ले। अब भाई ये भी ऐसा चीज़ है कि मैंने इसे स्विच ऑफ कर रखे, इसे खोले ही नहीं भाई, ये क्या पता ये भी चोरी का हो। पहली बात तो इसका कैमरा अलग है, अब क्या सीन करा है, इसे स्विच ऑफ करके डाल रखा है यार, इसे फेंक दूंगा मैं, ये मेरे किसी काम का नहीं, ये चली नहीं गया, चली कहाँ रहा है, बहुत पुराना फ़ोन हो रखा है, देख कहाँ दिखा रहा है, बहुत पुराना फ़ोन है ये, पता नहीं होगा 2005 का या 4 का, जब टच आए होंगे तभी का फ़ोन लग रहा है मेरे को। यहाँ आगे कैमरा ही नहीं है, साइड में कैमरा देख पा रहे होगे जैसे तुम, बैटरी भी किसी और की पड़ी है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, जब खुलता है तब सैमसंग लिख के आता है बस। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा, अब देखो मैं तो ये फ़ोन भी शायद मेरा चला जाएगा, ठीक है ना, ये फ़ोन भी बेच लूँगा, और थोड़े दिन शायद ब्लॉग नहीं आएंगे, मगर भाई वीडियो पे प्यार दिखाना, क्योंकि अगर मैं बीच में दूसरे के किसी के फ़ोन से वीडियो बनाऊँगा तो देख लेना थोड़ा। और भाई मैं तो यही बोलूँगा बस अब कि जाना ही मत वहाँ जाए, थोड़ी चीज़ महंगी मिलेगी मगर तुम्हें अच्छी मिलेगी, नहीं ले लेना मगर वहाँ मत जाना, बहुत चल रहा है स्कैम, ठीक है। मैं उनका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पता बंदे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सामने जिप्सी खड़ी है, जब बोल दे देख लूँगा क्या कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम जा ही रहे थे तो हमारे पीछे पीछे आ रहे, तो भाई हम डर गए थोड़ा, ठीक है। अब उनका इलाका भाई, उन्हें क्या कह सकते हैं, जब वो पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं तो उनका क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, अब वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, फिर मैंने कहा यार चलो बना देते हैं, ब्लॉग भी अभी थोड़े दिन नहीं आएंगे, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। और ये मिला 5,500 रुपये, नॉर्मली भी अगर कहीं लेने जाता तो मैं इससे तो अच्छा ही फ़ोन मिल जाता मेरे को। आखिरी बार भी यही बोलूँगा कि दोबारा वहाँ मत चले जाना कोई भी, हाँ अगर जा रहे हो तो भाई लेने के पर्पज से तो जाना ही मत, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कुछ लेके ही मत आना, एप्पल स्टोर चले जाओ, 2,000-4,000-10,000-15,000 महंगी चीज़ मिलेगी, मगर चीज़ तुम्हारी होगी, अच्छी होगी, नई होगी, तुम्हें वापस करके जा सकते हो अगर कुछ खराबी हो। अगर तुम्हारा दुकान से निकलते ही फ़ोन ख़राब हो गया ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ चपेट उड़ देंगे अगर दो कुछ कह दिया उनसे तो। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कभी बनाई मैंने तो, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहो, ऐसे स्कैम से भाई बचते रहो, मैं तो हो गया, क्या करा जाए, होगी भाई गलती, इंसान से ही होती है, होगी गलती, और क्या।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।